Which film you are doing now? Right now, my last film released with Kavi. It was a remake of Opam in Canada. Okay. Which Malayalam film you acted? Malayalam film I did Kilipoi with Asif Ali and Kilipoi. Okay. Kerala Today with Makbul Salman. Okay, the two films. Okay. Films. In Tamil, I've done with Atharva. In Kannada, I've done six films. I've done few indie films. I myself have done a lot of films for international. You're full timer in a movie or media or actor only? Okay. You're doing modeling work also or acting only? I'm in South India 2016, you know. Okay. In Kerala? Thank you. आपने बताया कि कन्नड़ तमिल तमिल मलयालम जैसे मूवीज में आपने रोल प्ले किया है।
आपको सबसे डिफिकल्ट या फिर सबसे आसान इन दोनों में से कौन सा लैंग्वेज लगा आपको? लैंग्वेज ओके सो डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं है, सारी जो भाषाएं हैं बहुत प्यारी हैं. कन्नड़ा आई फील इज लाइक मुझे कर्नाटक के अंदर कर्नाटक की अडॉप्टेड डॉटर कहा जाता है क्योंकि मैं वैसे राजस्थान से हूँ बट काफ़ी साल से कर्नाटक में सेटल हूँ एंड मुझे कर्नाटक में बहुत प्यार मिला है. अभी इनफैक्ट कन्नड़ा राज्योत्सव चल रहा है, ये जो नवंबर का महीना होता है इट्स वेन ऑल कन्नड़िगा कम टुगेदर एंड कन्नड़ लैंग्वेज को काफ़ी हम लोग इंकरेज करते हैं. वहाँ पे जो बाहर से लोग आते हैं मेरे जैसे लोग, मैंने कन्नड़ सीखी है तो मुझे लगता है कि भाषाएँ सब बहुत प्यारी होती हैं. सेम तरीके से जब मैं केरला जाती हूँ मलयालम पिक्चर की शूटिंग के लिए, मुझे इतना प्यार मिलता है वहाँ पे लोगों से. आई मीन आज टुडे आई डिड नॉट टेल एनीबडी दैट आई एम गोइंग टू बी अटेंडिंग दिस पिक्चर क्योंकि मेरी खुद की कोई पिक्चर नहीं थी, बट जस्ट सी जस्ट द मोमेंट यू पीपल गॉट टू नो दैट यू नो आई डू रिप्रेजेंट मलयालम इंडस्ट्री, मुझे कितना प्यार आप लोगों का इतना सारा सपोर्ट मिला है. तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि इंडिया में बहुत अलग अलग भाषाएँ हैं, बहुत अलग अलग हम काफ़ी वेराइटी है, लेकिन कहीं कहीं ना कहीं हम लोग सब मिले हुए हैं. अब तक जितने भी रोल मिले उसमें से सबसे अच्छा रोल आपको कौन सा लगा? जो मैंने रोल्स प्ले किए हैं उसमें से आई थिंक जो मेरी मलयालम फिल्म थी, मैं काफ़ी यंग थी जब मैंने एक पिक्चर की थी केरला के मोहम्मद सलमान के साथ. उस पिक्चर में मुझे एक कॉप का रोल करना था पूरे टाइम एंड मैं फैशन फील्ड से आई थी, मुझे लगता था हीरोइन का मतलब अच्छे कपड़े पहनना, डांस करना, जिम फिंगना, स्माइल करना या कहीं रोल अच्छे प्यारे प्यारे बातें करना, एक प्यारी लड़की दिखना, विच एंड दिस वॉज सच अ कल्ट फिल्म टू टोटली ब्रेक थ्रू. मुझे एक बहुत अलग तरह का मेक ओवर दिया गया, मुझे काफ़ी मच्योर दिखाया गया, मुझे काफ़ी सीरियस दिखाया गया. सो मुझे ऐसे लगता है कि बींग एन एक्टर वो फिल्म मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग थी और मैं शायद उस वक्त मेंटली उतनी मेच्योर नहीं थी, एज एन एक्टर उतनी मेच्योर नहीं थी, लेकिन शायद वो पहला स्टेप था यू नो बिकमिंग अ सीरियस एक्टर फॉर मी एंड बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था. इनफैक्ट आज आई थिंक उस पिक्चर को रिलीज हुए शायद 4-5 साल हो गए हैं और हर लैंग्वेज में वो रीमेक हो गया आज यूट्यूब पे, उसमें मिलियन ऑफ फॉलोअर्स है. मुझे आज तक लोग उस पिक्चर के लिए आके पूछते हैं कि मैम यू आर पार्ट ऑफ दैट फिल्म एंड इट वाज वंडरफुल जॉब. सो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फील होता है जब आपको और वो भी यू नो आपके करियर के इतने स्टार्टिंग के अंदर अगर आपको ऐसा फील होते करियर को मिलता है तो दैट इज वंडरफुल. और ये आपका गोवा का पहला ट्रिप था कि इससे पहले भी आप गोवा आ चुके हैं? गोवा इज लाइक माय सेकंड होम. आई थिंक मैं अपने घर के अलावा सेकंड प्लेस जहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हूँ तो गोवा ही है. मुझे मेरी फैमिली को काफ़ी गोवा पसंद है. मैं खुद एक कैंसर में हूँ, कैंसर मतलब कर्क राशि और वाटर साइन कहते हैं, मैं वाटर बेबी हूँ. अनफॉर्चुनेटली मैं कभी किसी ऐसे स्टेट में नहीं गई जहाँ पे सी बॉडी होती है, तो गोवा इज लाइक यू नो सेकंड होम. मुझे अपने आप गोवा बुला लेता है, कभी काम की वजह से कभी जस्ट रिलैक्स करने के लिए मैं काफ़ी यहाँ पे आती हूँ. मेरे यहाँ काफ़ी लोकल फ्रेंड्स हैं, यहाँ तक कि मैंने एक हिंदी फिल्म करी थी उसकी डायरेक्टर यहाँ सेटल है आरंगपुर में, तो उनसे भी मेरी मुलाकात होती है. सो इट्स अ वेरी वार्म प्लेस. मुझे लगता है यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वार्म, वेलकमिंग और प्यारे हैं. कहीं ना कहीं वो भी रीज़न है कि यहाँ पे गोवा में टूरिज़्म इतना वो है बिकॉज इट्स नॉट फॉर द पीपल. अगर खाली बीच में इंसान कितनी देर खुश रह जाएगा, आई थिंक इट्स what is the experience of today's oh my god so overwhelming. मैं अभी किसी से बात कर रही थी, मैं कह रही थी कि पिछले 5 साल में इंडिया का फिल्म फेस्टिवल जो फ्रेटर्निटी है ये इतना ड्रास्टिकली चेंज हुआ है. 5 साल पहले जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट किया था उस ज़माने में जब कहते थे फिल्म फेस्टिवल तो सब यू नो नए एज एक्टर सब लोग यूथ काफ़ी डरता था, बच के रहता था फिल्म फेस्टिवल से क्योंकि फिल्म फेस्टिवल वाज समथिंग जिसे कहते काफ़ी एल्डरली लोगों के लिए माना जाता था या थोड़े अलग तरह के सीरियस फिल्म मेकर्स और यू नो बहुत कन्वेंशनल एक अलग ही रेंज के लोग होते थे जो फिल्म फेस्टिवल्स का हिस्सा लेते थे या उसमें जाके पार्टिसिपेट करते थे. बट नाउ टुडे आई एम सीइंग हियर सो मेनी यंग पीपल, टीनएजर्स, पीपल आर यंग 17, 18, 19 कमिंग हियर अटेंडिंग. सो उससे पता चलता है कि कितना ग्लोबलाइजेशन आ गया है हमारे फिल्म फेस्टिवल्स के अंदर. एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी, इतना कलरफुल है, इतनी हेल्दी वाइब्स है, इतना एंटरटेनिंग है. आप
मैम फाइनल क्वेश्चन, आप अपने ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बी केयरफुल ऑफ योर हेल्थ, बी सपोर्टिव ऑफ आर लोकल इंडियन इंडस्ट्रीज, ये सब चीज़ें बोलने की बात नहीं है। मैंने ऐसे कोविड वॉलंटियर काम किया था पैंडमिक के टाइम में, एंड मुझे पता है कितना तरह का लॉस केवल लाइफ का नहीं हुआ है। अ पर्सन मिसिंग इन द फैमिली लीव्स अ वेरी बिग यू नो प्लेस, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इमोशनली हर तरीके से इंसान एक पूरा खानदान हिल जाता है। एंड एक फैमिली डिस्टर्ब होने का मतलब एक पूरा सोशल सर्कल डिस्टर्ब होना। हमें आई थिंक हमें सबको ये समझ आ गया है कि लाइफ बहुत छोटी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे जितना हो सके बेहतर तरीके से जीना चाहिए, जितना हो सके अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सके तो एटलीस्ट बुरा नहीं करना चाहिए। लिव पॉजिटिवली, बी हेल्दी, लव योर फैमिली, नेवर यू नो नेवर हेजिटेट इन टेलिंग समबडी दैट यू लव देम, बिकॉज यू नेवर नो टुमारो यू विल बी एबल टू टेल देम और नॉट। आई थिंक ये एक सबक हमने सबने सीखा है, एंड दैट्स व्हाई मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं सबको यही बोलती रहती हूँ कि आई लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर बींग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। एंड सेम गोज़ टू यू गाइस, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल फॉर दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ इतना प्यार देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम। If you like, Jivan in this. Bariya, thank you. I'm actually back.